मिडनाइट में हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ कि क्या बताऊं, बत्ती कुल मीटर चालू वाला हिसाब है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ गया हूँ, बट मिडनाइट में हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ कि क्या बताऊं, बत्ती कुल मीटर चालू वाला हिसाब है, क्योंकि कल बारिश ज़्यादा थी तो पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ बाहर आउटसाइड खंबे पर, और हॉस्पिटल की आधी लाइट चली गई और आधी आ रही है, तो बत्ती कुल मीटर चालू वाला हिसाब है आज। तो रात पता नहीं कैसे नींद आई है, मुझे पता है रात थोड़ा मच्छरों ने भी सोने नहीं दिया और थोड़ा पेशेंट ज़्यादा थे, इसलिए ऐसा है। तो बत्ती कुल मीटर चालू का हिसाब कुछ ऐसा है, देखिए पीछे अंधेरा है पूरा और वहाँ पर देखिए लाइट आ रही है और ऊपर पूरे फ्लोर पे लाइट है बट यहाँ नहीं है, देखिए पूरा अंधेरा है। तो गाइस अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, आज वीडियो नहीं बना पाया, लाइट नहीं थी इस वजह से। अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ और मेरे रूम से हॉस्पिटल के रास्ते में देखिए क्या है, यहाँ पे जगुआर और लैंड रोवर कार का शोरूम भी है। रोज कारें बिकती हैं, रोज निकलती हैं अच्छी अच्छी कारें, बहुत अच्छा लगता है देखकर। चलिए फिर पहले मैं रूम पे पहुंच कर तैयार हो जाता हूँ, क्लिनिक जाना है, लेट हो चुका हूँ, 8:40 हो चुका है। तो गाइस आज मैं इडली लेनी है क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गई है, इसलिए पेड़ रहती है और हाथ नहीं रोकता। कितनी बड़ी इडली है, वो देखिए इडली बन रही है इतने बड़े, उसमें बहुत बड़ी इडली होती है। तो चलिए फिर रूम पर चलते हैं, फिर पहले रूम पर चल के खा के फिर क्लिनिक जाना है, मिलते हैं अभी। ये आ गया देखिए गाइस, बिस्किट खाने के लिए आ गया, लेके आया हूँ मैं इसके लिए बिस्कुट, मुझे इसका ध्यान था, अभी देते हैं इसको बिस्किट खिलाते हैं। तो कम से कम 2 बिस्किट तो खाए गई है, आ जा। तब इसको 2 बिस्किट दे दिए हैं, अब खाएगा, ये खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चल खा लियो है, अभी खा रहा है, जब मैं इसके पास होता हूँ तब नहीं खाता है, जाने के बाद खाता है, देख। तो गाइज मैं रूम पे पहुँच गया हूँ फाइनली, अभी नहा के फटाफट क्लिनिक जाना है, टाइम बहुत हो चुका है, लेट हो रहा हूँ। चलिए मैनेज तो करना ही है, कैसे भी हो जाएगा फिलहाल, लेट देर सवेर तो होती रहती है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं है। तो गाइज आज मैं लेट हो चुका हूँ, बट क्योंकि लेट हो गया था, मैं मॉर्निंग से लेट हो गया था, इस वजह से थोड़ा तैयार होने में भी लेट हो गया, देर हो गई आज, टाइम काफ़ी हो चुका है, 10:18 हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ जाने के लिए, चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर क्लिनिक पर, और बने रहिए। तो गाइस अभी एक की ड्रिप लगना है, अंदर लेट हो जाए पेशेंट, अंदर चलो, तो उसको ड्रिप लगाने चलते हैं, चलिए। तो गाइस अंकल के ड्रिप लग गई है, अभी अंकल ठीक हो जाएंगे, पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था, फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो ड्रिप लगा दिया है, अभी ठीक हो जाएंगे अंकल। गाइस अभी एक पेशेंट और आया है, उसको 103 फीवर है, उसको भी ग्लूकोज लगाया है, चलिए चलते हैं लगाने।
गाइस, नवनीता मैम ने कल मेरे से खाना मंगवाया था क्योंकि उनको, मैं जहाँ से खाना लेके जाता हूँ उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने मुझसे मंगवाया था कि मेरे लिए भी लेके आना। चलिए पैक करवाते हैं और दिखाता हूँ मैं कहाँ से लेके जाता हूँ। चलिए ले लेते हैं, यहाँ से मैं लेता हूँ गाइस खाना। चलिए लेते हैं। तो गाइस भैया से मैं लेके जाता हूँ, अर्जेंट है, इनसे मैं खाना पैक करा के लेके जाता हूँ, अच्छा खाना बनाता हूँ। ये सब, ये ओनर है यहाँ के भैया, ये हमने पैक करा लिए। यहाँ पे भीड़ अच्छी रहती है, खाना अच्छा बनाते हैं भैया, ये सब बिजी रहते हैं सब। सांभर, रोटी, राइस, सब कुछ मिलता है। आए कर दो और आना सांभर पार्सल है। चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस हमने खाना ले लिया है यहाँ से, पैक करा लिया है सब, अभी जाके खाना है। चलिए चलते हैं, अब हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ मैं पहले, उसके बाद मिलते हैं। ये देखो, ये गाइस, ये देखो कैसे हंस रही है, ये देखो देखिए देखिए, क्यों देखिए अम्मा, क्यों देखिए कैसे हंस के रहा, क्यों देखो देखो, क्यों देखो तो गाइस हुआ ये इतने ज़्यादा इसलिए हंस रही हैं कि अभी एक पेशेंट आया था और हम ड्रेसिंग कर रहे थे, मैं और माधवी सिस्टर, तो ये भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे माधवी सिस्टर टेप छुटा रही थी, तो उसकी पन्नी जो है उनसे फिसल के छूट गई, अब वो वापस उसी पे चिपक गई टेप के ऊपर, तो ये वहाँ पे खड़ी हुई देख रही थी, तो उनको बड़ी तेज़ हंसी आई हुई, वहीं से हंसते हंसते ये हालत हो रखी है इनकी, पता नहीं क्या हो गया। चलिए फिर से एक बार और दिखाता हूँ आपको इनकी हंसी कैसे हंस रही है। ये कोई नहीं, देख इन्हें देखो, गाइस टाइम हो चुका है सोने का और टाइम हो चुका है 12:30, अब मैं सो जाता हूँ। मॉर्निंग में मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, 3 बजे अपडेट हो जाता है मेरा ब्लॉग डेली, तो देखना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।